हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिव्यांग पटेल। आई एम फ्रॉम मेरिल एंडो सर्जरी क्यूसी डिपार्टमेंट। आज आप लोग को जीसी के बारे में कुछ डिटेल्स में दिखाना चाहता हूँ और साथ में सिखाना भी चाहता हूँ। आपने जीसी तो सुना ही होगा, जीसी यानी गैस क्रोमेटोग्राफ। आपने 10th में 12th में साइंस में या कॉलेज में लिखा ही होगा कि जीसी क्या होता है और जीसी के प्रिंसिपल्स और कैसे। बेसिकली जीसी सबने सबने सुना ही होगा कि जीसी क्या है क्या है, सब कटे जीसी है जीसी वो है। लेकिन आज मैं आपको जीसी के बारे में कुछ समझाना चाहता हूँ। जीसी यानी गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी या आपने सब सबने सुना है जीसी। सब कंपनी में जाते हो, जीसी पे ये काम करता है, जीसी पे वो काम करता है, जीसी पे ये होता है, जीसी पे वो होता है। लेकिन आज मैं आप एक्चुअली आपको दिखाना चाहता हूँ कि जीसी में क्या कर सकते हैं। अभी मेरिल एंडो सर्जरी में हम लोग सूचर प्लान डेवलप करते हैं। सूचर में हम लोग क्या चेक करते हैं वो आपको ऐसा लगेगा, सूचर में क्या होता है, ये होता है सूचर में, सिर्फ सूचर होता है और नीडल होती है। लेकिन सूचर में बहुत बहुत कुछ हो सकता है। सूचर में क्या क्या हो सकता है, सूचर में अभी अपना एक प्रोडक्ट सपोज ले लिया, उसका हम लोग सब नीडल सूचर अटैच भी कर दिया, लेकिन कुछ किसी को पता भी नहीं होता है कि मतलब सूचर स्टरलाइज हुआ है या नहीं हुआ है। सूचर एक्चुअली मेरिल में सूचर इधर ही स्टरलाइज होता है, सूचर और बाहर भी होता है। सूचर हम लोग इधर ईटीओ स्टरलाइज करते हैं और बाहर रेडिएशन जाता है। ईटीओ में आपको पता ही होगा कि क्या होता है। ईटीओ में हम लोग इथिलीन ऑक्साइड इंजेक्ट करें जो बॉडी के लिए हानिकारक है, और बॉडी के लिए हानिकारक है लेकिन तो फिर क्या हम लोग यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसी यही यही सोच जानने के लिए हम लोग इस पे जीसी करते हैं। जीसी यानी गैस क्रोमेटोग्राफी। अभी सूचर में हम लोग ने इथिलीन ऑक्साइड तो डाल दिया, स्टरलाइज कर भी दिया, लेकिन अभी निकला या नहीं निकला, निकला तो भी कितनी क्वांटिटी में निकला और कितनी क्वांटिटी में रह गया, वो जानने के लिए हम लोग यहाँ पे गैस क्रोमेटोग्राफी यानी जीसी पे हम लोग टेस्टिंग करते हैं। तो पहले देख लेते हैं जीसी क्या है। ये अपना जीसी यानी गैस क्रोमेटोग्राफी। अभी आप लोग सोच रहे हो ये दोनों मशीन में से कौन सा गैस क्रोमेटोग्राफी, ये ऐसा नहीं है। जो होल पार्ट इज, ये जो पूरा पार्ट है ना वो गैस क्रोमेटोग्राफी है। पहला पार्ट है ये अपना है मोबाइल फेज, यानी उसमें सब गैसेस आते हैं। जो पहला वाला है वो एयर है, और जो दूसरा वाला है वो नाइट्रोजन है, और लास्ट तीसरा वाला है हाइड्रोजन। अभी चौथा वाला भी जो हीलियम है, लेकिन हीलियम हम लोग यूज नहीं कर सकते, हमारे में हीलियम यूज नहीं हो सकता। अभी ये सेकंड पार्ट है, उसको बोलते हैं इंजेक्टर इंजेक्टर ऑटो इंजेक्टर, जिसमें तो दो पार्ट से, एक हेडस्पेस है और ऑटो इंजेक्टर। ऑटो इंजेक्टर में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग सैंपल डालते हैं, इधर से इंजेक्ट करता है और इसमें डालता है। इसमें डालने से क्या होता है, यहाँ से पूरी कॉलम है, कॉलम में से पास हो रहा है इधर। हम लोग ने अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर रखे। इसमें फ्रंट डिटेक्टर भी आता है और बैक डिटेक्टर भी आता है। उसमें फ्रंट डिटेक्टर में हम लोग ने टेम्परेचर सेट किया 230 का टेम्परेचर रहता है, और ये प्रेशर रहता है, ये प्रेशर नाइट्रोजन का है, ये नाइट्रोजन का टेम्परेचर प्रेशर है, और ये हाइड्रोजन का प्रेशर रहा, और ये पूरा टेम्परेचर है जिस बॉडी, और इंजेक्टर टेम्परेचर है ना 150 का हम लोग ने सेट करके रखा है, और ये नाइट्रोजन का भी हम लोग ने जब मेथड किया था ना तब सेट करके ही रखा था। अभी क्या होता है, यहाँ से हम लोग ने सैंपल प्रिपरेशन करके सॉल्यूशन इसमें भर डाल दिया और इंजेक्टर क्या करता है, ऑटो इंजेक्ट करता है। हमारे इंजेक्टर ऑटो ही करता है, हम लोग के पास मैनुअल इंजेक्शन नहीं है, क्योंकि मैनुअल इंजेक्शन में बहुत सारी इम्प्योरिटीज या मैनुअल एरर भी आ सकते हैं। इसके लिए हम लोग ने ऑटो इंजेक्टर ही रखा है। ऑटो इंजेक्टर में क्या करता है, सैंपल इंजेक्ट करता है, उसमें से इंजेक्टर में यहाँ से डालता है, यहाँ से ये वाला। ये वाला पोर्शन में इंजेक्शन इंजेक्ट करता है और यहाँ से सीधा कॉलम रखिए अंदर। अंदर दो टाइप की कॉलम हम लोग यूज कर सकते हैं, एक कैपिलरी कॉलम और एसएस कॉलम। बेसिकली अलग अलग सॉल्यूशन, अलग अलग मेथड और अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग टाइप कॉलम यूज कर सकते हैं। एक तो हो गया कैपिलरी कॉलम और दूसरी हो गई एसएस कॉलम।
पहली रही कैपिलरी कॉलम और दूसरी रही एसएस कॉलम। ये पहले पार्ट हो गया इंजेक्टर का, इंजेक्टर में, और दूसरा सेक्शन है हमारा हेड स्पेस का। हेड स्पेस में भी सेम प्रोसेस होता है। यहाँ पे क्या होता है, उधर छोटी वाली वायल हो गई, इधर बड़ी वाली इस टाइप की वायल होती है। यहाँ पे क्या होता है, ये बड़ी वाली वायल इसमें हम लोग डालते हैं, ऐसे हम लोग वायल रखते हैं, और फिर क्या होगा, ये पूरा राउंड लेगा। अभी रनिंग नहीं कर सकते, ये पूरा रनिंग हो, जैसे ये रनिंग करके ऐसा अंदर जाएगा ना, वहां से सीधा उसको हीट हीट देगा। पहले हीट से क्या होगा, लिक्विड गैस में जनरेट होगा, गैस में जैसे जनरेट होगा, इसमें भी एक कॉलम है, वो लूप कॉलम है, लूप में से टेम्परेचर जनरेट होता है इधर से। ये अलग अलग टेम्परेचर है, ये ओवन का टेम्परेचर है, ये लूप का टेम्परेचर, लूप में यानी इसमें भी एक राउंड जैसी कॉलम रहेगी, उसका टेम्परेचर रहेगा। और ट्रांसफर लाइन, ट्रांसफर लाइन मतलब ये जो ट्रांसफर लाइन है, इसके अंदर भी एक कॉलम है। यहां से जो हीट हुआ ना, उससे जो गैसेस फॉर्म हुए ना, वो ट्रांसफर लाइन में से इधर से यहां से होके यहां से अंदर जाएगी और जैसे डिटेक्टर में जाएगी। डिटेक्टर क्या करेगा, हमने जो सैंपल बनाया ना, उसमें कौन सी प्योरिटी है, इम्प्योरिटी है या नहीं, कितना प्योर है, वो चेक करने के लिए यहाँ डिटेक्ट होगा। डिटेक्टर भी दो टाइप के होते हैं, एक थर्मल टीसीडी यानी टीसीडी और एफआईडी। टीसीडी यानी मतलब थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, और एफआईडी यानी फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर। फ्लेम में क्या होगा, जब सब सेट हो जाएगा ना, तो यहाँ हल्का सा फ्लेम या लाइट जैसी जलेगी यहाँ से अंदर से, अभी तो नहीं दिखेगी, तो हल्का सा ये अपना फ्लेम आयोनाइज है। अभी हम लोग ये यूज कर रहे फ्लेम आयोनाइज डिटेक्टर। अभी हम लोग ने सैंपल रन तो कर दिया, अभी हमको पता कैसे चलेगा कि सैंपल उधर से गया, डिटेक्ट हुआ या नहीं हुआ, इसके लिए हम लोग ने सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ओपन लैब का। ये अपना ओपन लैब का स्पेशली जीसी के लिए सॉफ्टवेयर बनाया, उसमें हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन करते हैं। इंडिविजुअली पर्सन के लिए इंडिविजुअल लॉगिन बना ही हो रहता है, तो हम लोग पहले लॉगिन करेंगे। ये अपना लॉगिन हो गया, और जैसे लॉगिन हो जाएगा सॉफ्टवेयर ओपन कर देगा। ये अपना सॉफ्टवेयर ओपन हो गया, अभी हम लोग ने सैंपल रन तो कर दिया, अभी सैंपल डिटेक्ट हुआ या नहीं हुआ, उसके वो जानने के लिए हम लोग ये सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, और हम लोग जो हुआ ना उसका सीक्वेंस या कुछ भी रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट हम लोग ओपन करेंगे। हाँ, ये ऐसा ग्राफ आएगा। अभी हम लोग को पता नहीं है कि कौन सा एरिया कहाँ पे है, कौन सी इम्प्योरिटीज है, कौन सा हम लोग ने जो सैंपल इंजेक्ट किया वो है, उसको जानने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कौन से एरिया में कौन सा ग्राफ आएगा, किसका ग्राफ आएगा। इसके लिए अभी ये क्या है, ये जैसे गड्ढा जैसा कुछ दिख रहा है, तो ये अपना एक ग्राफ है। तो यहाँ पे हम लोग, ये कौन सा एरिया, ईओ का एरिया है, ईओ का एरिया जो आया ना, यहाँ पे हम लोग ईओ का एरिया आएगा। ये हम लोग ने जो सॉल्यूशन बनाया है ना, उसमें जो ब्लैंक डाले ना, वो है एक मिथेनॉल है, डीएमएसओ और डीएमएफ है, वो भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एरिया डीएफ का कौन सा है और डीएमएसओ का कौन सा है। तो डिटेक्टर में क्या होता है, ये तीन डिटेक्ट हुआ अपना,